नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। रामविलास पासवान को लालू प्रसाद यादव मौसम विज्ञानी कहते थे। पासवान इस बात का अनुमान लगा लेते थे कि सत्ता किस पार्टी के पास आने वाली है और वो उसी गठबंधन का हिस्सा बन जाते थे। रामविलास पासवान जब तक जिंदा रहे सत्ता के करीब रहे, लेकिन उनके बेटे चिराग पासवान एक सांसद से ज्यादा सत्ता का स्वाद नहीं चख पाए हैं। वो बीजेपी के करीब रहना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी को अपने पिता की तरह साधने में अब तक सफल नहीं रहे हैं। 2024 का आम चुनाव कुछ ही हफ्तों में होने वाला है और चिराग का ठिकाना कहाँ होगा अभी तक साफ नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चिराग पासवान अपने पिता की तरह बिहार में प्रासंगिक है। चिराग नहीं चाहते थे कि एनडीए में नीतीश कुमार की वापसी हो, लेकिन उनकी वापसी से समीकरण जटिल हो गया है। नीतीश कुमार के आने के बाद चिराग की पार्टी को 6 सीटें मिलना बहुत कठिन हो गया है। जिस दलित वोट पर चिराग पासवान दावा करते हैं, नीतीश कुमार ने उसी दलित समुदाय में महादलित की श्रेणी बनाई थी, जो कि रामविलास पासवान को कभी पसंद नहीं आया था। नीतीश कुमार ने पहले पासवान जाति को महादलित से बाहर रखा था। रामविलास पासवान को लगता था कि महादलित की श्रेणी दलितों को बांटने की नीति है। चिराग पासवान ने रविवार को अपनी जनसभा में स्पष्ट तौर पर कहा था कि उनका गठबंधन बिहार की जनता के साथ है। गठबंधन के तौर पर एनडीए का नाम नहीं लेना क्या एनडीए और बीजेपी के लिए चिराग पासवान की तरफ से कोई इशारा है? फिलहाल बिहार की राजनीति में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपना विदेश दौरा बीच में छोड़कर वापस लौट आए। नीतीश कुमार यूरोप के दौरे पर थे। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार के मुताबिक नीतीश कुमार को 13 मार्च को भारत लौटना था। माना जाता है कि बिहार में सीटों का बंटवारा नहीं होने से छोटे दलों में असमंजस की स्थिति है। ऐसी अटकलें भी है कि बिहार के छोटे क्षेत्रीय दल अंतिम समय में कोई भी चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार है नवेंदु, उनके मुताबिक 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में महागठबंधन की बड़ी रैली के बाद बिहार में जमीनी हालात बदल गए हैं। उनका कहना है, जहां तक छोटे दलों की बात है तो उनके लिए कोई सिद्धांत नहीं होता है, उन्हें जिस गठबंधन में फायदा दिखता है उसके साथ जुड़ जाते हैं। अब रामविलास पासवान के निधन के बाद साल 2021 में उनकी लोक जनशक्ति पार्टी दो हिस्सों में टूट गई थी। इसका एक धड़ा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी उनके भाई पशुपति कुमार पारस के साथ है, जबकि दूसरा धड़ा उनके बेटे चिराग पासवान के पास है। लोक जनशक्ति पार्टी को साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में साझेदारी के तहत 6 सीटें मिली थी। इन सभी 6 सीटों पर एलजेपी की जीत हुई थी। पार्टी में टूट के बाद पशुपति कुमार पारस के साथ एलजेपी के 5 सांसद हैं। वहीं जमुई सीट से सांसद चिराग पासवान हैं। हालांकि चिराग पासवान इसके बाद भी अपने धड़े एलजेपीआर को रामविलास पासवान की मूल पार्टी बताते हैं। उनके पास इसके लिए कई तर्क हैं। पिछले साल हुए नागालैंड विधानसभा चुनाव में पहली बार एलजेपी रामविलास को 2 सीटों पर जीत मिली थी और वो 8 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही थी। चिराग पासवान ने साल 2020 के बिहार विधानसभा में लोक जनशक्ति पार्टी को बिना किसी गठबंधन के चुनाव मैदान में उतारा था। उन चुनावों में पार्टी को केवल 1 जीत मिली थी, लेकिन करीब 7% वोट मिले थे। अब क्या कहते हैं आंकड़े? पार्टी में टूट के बाद से चिराग पासवान के गुट ने साल 2021 के अंत में बिहार में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव लड़े थे। इन दोनों सीटों पर पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारा था और उन्हें करीब 6% वोट मिले थे। रामविलास पासवान को बिहार में दलितों का सबसे बड़ा नेता माना जाता रहा है। उनकी पार्टी एलजेपी के पास करीब 6% वोट रहा है। उन्होंने अपने वोट बैंक का हमेशा राजनीतिक चतुराई से इस्तेमाल किया था। वरिष्ठ पत्रकार मानते हैं एलजेपी में टूट के समय बीजेपी ये समझ पाने में नाकाम रही थी कि जनता की सहानुभूति चिराग पासवान के साथ हो जाएगी। इसके साथ ही चिराग पासवान अपने चाचा के मुकाबले जमीन पर भी ज्यादा सक्रिय दिखते हैं। इसने अब बीजेपी को उलझन में डाल दिया है। एलजेपी में टूट के बाद से पशुपति पारस का गुट बिहार में बीजेपी की साझेदार है, इसलिए उसे कहीं भी अपना उम्मीदवार उतारने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में उनके धड़े के पास कितनी ताकत है इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो एलजेपी को उन चुनाव में करीब 8% वोट मिले थे, जबकि इसके करीब 1.5 साल बाद हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी को करीब 6 वोट मिले थे। 2 चुनाव के बीच वोटों के इसी अंतर में एनडीए और इंडिया के लिए लोकसभा चुनाव का भविष्य भी देखा जाता है। अब बीजेपी और तेजस्वी यादव के लिए चिराग की अहमियत क्या है? मौजूदा समय में बिहार में एनडीए में शामिल दलों को साल 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर देखें
तो उन्हें करीब 60 वोट मिले थे, जिसमें बीजेपी 24 और जेडीयू 22 के साथ बड़ी हिस्सेदारी थी। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी को 3.6 और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को करीब 2 वोट मिले थे। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने मिलकर करीब 25% वोट हासिल किए थे। बिहार की हालिया सियासी तस्वीर में साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा बदलाव देखा गया। उन चुनाव में आज के महागठबंधन के घटक दलों यानी इंडिया को करीब 37% वोट मिले थे। आरजेडी फिलहाल एनडीए में रहने या न रहने के चिराग पासवान के फैसले का इंतजार करती दिखती है। हालांकि एलजेपी में टूट के बाद से लालू प्रसाद यादव खुद भी चिराग पासवान को तेजस्वी के साथ आने की अपील कर चुके हैं। लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान के बीच भी पुरानी मित्रता रही है। साल 2009 के लोकसभा चुनाव में रामविलास की हार के बाद उनको राज्यसभा भेजने में लालू ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। चिराग पासवान भी लालू परिवार के साथ पुराने रिश्ते के बारे में बोलते रहे हैं और तेजस्वी यादव से उनकी करीबी की चर्चा भी सियासी गलियारों में होती है। दोनों ही नेताओं ने एक दूसरे के खिलाफ कभी बयानबाजी नहीं की है। माना जाता है कि बिहार में विपक्षी गठबंधन के पास ज्यादातर वोट पिछड़े दलितों और मुस्लिम समुदाय का है और चिराग पासवान के जुड़ जाने से विपक्ष को इसका बड़ा फायदा हो सकता है। सोमवार को पत्रकारों ने चिराग पासवान के मुद्दे पर तेजस्वी यादव से सवाल भी किया तो तेजस्वी ने इस पर कुछ भी खुलकर बोलने से इनकार कर दिया। इस बीच केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता नित्यानंद राय ने दावा किया है चिराग पासवान एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ ही रहेंगे। हालांकि वैशाली की सभा में चिराग पासवान के जो तेवर थे उसे उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा गया है और माना जाता है कि चिराग अपनी शर्तों को आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार मुन्ना के मुताबिक हमारे पास क्या आधार है ये किसी से छिपा नहीं है। हमें पिछली बार साझेदारी में 6 लोकसभा सीटें और 1 राज्यसभा की सीट मिली थी, आज भी हम इसी पर कायम हैं। इन 6 सीटों में 1 सीट हाजीपुर की भी है जो रामविलास पासवान की सीट रही है और अब चिराग के चाचा पशुपति पारस वहां से सांसद है। फिलहाल पशुपति पारस किसी भी हाल में ये सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। धीरेन्द्र कुमार कहते हैं बिहार में बहुत से दल हैं और कौन क्या कहता है उस पर कुछ भी नहीं कहना है, हम अपनी बात कर सकते हैं। जब हमारी एनडीए में वापसी हुई थी तब भी बीजेपी ने कहा था कि वो हमारे सम्मान का ध्यान रखेंगे। माना जाता है कि एलजेपी में टूट की वजह से चिराग के मन में बीजेपी को लेकर एक नाराजगी रही है। कहा जाता है कि बीजेपी कोशिश करती तो शायद एलजेपी को टूटने से बचाया जा सकता था। रामविलास की तरह चिराग में भी नीतीश की महादलित वोटों पर नजर होने की वजह से एक तरह की नाराजगी देखी जाती है। नीतीश और चिराग के रिश्ते 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। इसे महादलित वोट को साधने की नीतीश कुमार की एक चाल के तौर पर देखा गया था, लेकिन नीतीश और चिराग के बीच रिश्तों में बड़ी तलखी साल 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान आई। उस वक्त एनडीए का हिस्सा होते हुए भी चिराग पासवान ने जेडीयू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे। जेडीयू का मानना रहा है कि इससे उसे सीटों का बड़ा नुकसान हुआ और वो बिहार विधानसभा में महज 43 सीटें जीत पाई। अब नीतीश की एनडीए में वापसी के बाद एक बार फिर से नीतीश चिराग संबंधों को लेकर सियासी चर्चा चल रही है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश के लिए जिन तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया था वैसा कभी किसी विपक्षी नेता ने नहीं किया है। नीतीश के बारे में कहा जाता है कि वो अपने विरोधी को माफ नहीं करते हैं। एनडीए में नीतीश की वापसी से बीजेपी के लिए भी उलझन खड़ी हो गई है। माना जा रहा है कि नीतीश की विदेश से वापसी के बाद एनडीए में बिहार में सीटों की साझेदारी को लेकर फैसले में तेजी आएगी। अभी एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपीआर, रालोजपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है। पिछले लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी ने 17 और जेडीयू ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी। एनडीए में बिहार की 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे के बाद चिराग पासवान को लेकर भी तस्वीर साफ हो सकती है और माना जाता है कि उसके बाद ही इंडिया गठबंधन में भी सीटों की साझेदारी पर फैसला होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर हमारा पेज है, उसे भी लाइक और फॉलो कर लें। धन्यवाद।